जब नस्कंदर रावण ने अपने भाई भीषण को लात मारी और अपने पास से भागने के लिए कहा कि जाकर के शत्रु पक्ष में जाकर के मिल जाओ, और यह बात विभीषण को कष्ट दे गए। विभीषण वहां से चले भगवान से मिलने के लिए, और जब जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि भगवान के बारे में, उनके स्वभाव के गुण के बारे में सोचते हुए जा रहे हैं, और भगवान के पास पहुंचे तो कहते हैं क्या कि श्रवण सुजसु सुनियायउ प्रभु भंजन भव भीर और त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले, सारा गत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहते हुए विभीषण जी भगवान के चरणों पर लेट गए, दंडवत गिर पड़े। और जब भगवान ने देखा श्रावण जी ने, तो उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, अपनी दोनों भुजाओं में बाहों में भर लिया और अपने हृदय से उनको लगा लिया। और पूछते हैं कि हे लंकेश, कहो लंकेश सहित परिवार, हे लंकेश कहिए तुम्हारा परिवार कुशल से तो है, किस प्रकार तुम्हारा धर्म कर्म कैसे चल रहा है, सब कुशल तो है। राम जी कहते हैं कि हे विभीषण, हे लंकेश, मैं जानता हूं कि बरु बल वास नरक करता था। नरक का वास भगवान दे दे ठीक है, लेकिन दुष्ट संग जनि दे विधाता, विधाता कभी दुष्ट का साथ न दे। अब विभीषण जी कहने लगे, हे प्रभु कि अब पद दे कि कुशल रघु आया, जो तुम की जान जन दाया। अब आपके चरणों का दर्शन पा करके हे महाराज जी, अब तो कुशल है, मैं कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, आपका दर्शन पा करके मैं कुशल हो गया हूँ, मैं कुशल से हूँ। लेकिन हे नाथ, जीव की कुशलता और उसको विश्राम तभी मिल सकता है। विष्णु जी कहते हैं कब, तब तक उसको विश्राम और सुख उसकी कुशलता नहीं होती जब तक वो भगवान की शरणागति नहीं देता, भगवान का चलो अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। वह विष्णु जी कहते हैं कि तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं नहीं विश्राम, जब लगी भजतन राम कहूं, सुख धाम तजी काम। कहते हैं कि तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति मिल सकती है, जब तक वह शोक के घर काम को, विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भरता, तब तक उसकी कुशलता नहीं है, उसको स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता। तो तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने नहीं विश्राम, जब लगी भजत राम कहूं, शोक धाम तजी काम। जब तक कामनाओं को छोड़ करके भगवान को नहीं भजता, तब तक जीव की कुशलता नहीं है, उसको स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता। और ये तब लगे हृदय बसत खलनाना,
ये नाना प्रकार के दुष्ट जो है वो हृदय में सब तक बात करते हैं। लोभ मोह मच्छर मद महाना, लोभ मोह मद मच्छर और माल आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं। कब तक? कि जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे ताप सायक कटिभाथा। जब तक कि धनुष बाण और कमर में तर्कस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते, तब तक इस हृदय में नाना प्रकार के लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि जो है दुष्ट बैठे रहते। ममता तरुण तनी अधियारी, राग सुखकारी। ममता पूर्ण अधरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, क्योंकि उल्लू को रात्र में बहुत दिखाई देता, रात्र में दिखाई देता है और उसको रात्र ही अच्छी लगती है। उसी प्रकार कहते हैं कि ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। कब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। ये ममता रूपी रात तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्योदय नहीं होता, तब तक ही नाना प्रकार के दुष्ट हृदय में बसते रहते हैं। तो जीव की कुशलता तभी है जब राग द्वेष मद मोह मत्सर सब काम दुष्टों को भगा करके हृदय में भगवान को वास करे, उनको स्थान दे। आई भगवान तभी हृदय में बसते हैं जब तक ये दुष्ट दुष्ट भाग नहीं जाते। जब भगवान बसेंगे तो दुष्ट भाग जाएंगे। और जीव को कुशलता उसको विश्राम तभी मिल सकता है जब वो सब का परित्याग करके, काम क्रोध मद लोभ इन सब का परित्याग करके निर्मल भाव से भगवान को भजता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर। क्या करें? आराम की शरण में, राम की शरण में आ जाओ और आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में और राम राम कर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो।